जोमेटो का शेयर और उसकी ट्रेंडिंग में न्यूज़ेस, पांच यहाँ पे धमाकेदार खबरों की अभी हम बात करने वाले हैं जो जोमेटो से यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलेटेड होने वाली है। ऊबर की बात करेंगे, ब्लिंकिट की बात करेंगे एंड जोमेटो में जो यहाँ पे बहुत बड़ी बिकवाली हुई है 2938 करोड़ की, उसकी हम बात करेंगे। जोमेटो ऊबर की न्यूज़ यहाँ पर सामने निकल गई। फर्स्ट यदि हम बात कर रहे हैं ऊबर की, तो ऊबर ने यहाँ पर एग्जिट किया है जोमेटो से एंड यहाँ पर सेल की है एंटायर अपनी क्वान्टिटी 7.78% का स्टेक यहाँ पर ओपन मार्केट में फ्लोट सेल कर दिया है। साथ साथ यदि हम सेकंड न्यूज की बात करें तो जोमेटो की तरफ से यहां पे आई है, जो जोमेटो ने यहां पे इन्वेस्टमेंट अपना जो ब्लिंकिट के साथ किया था 320 मिलियन का, वो यहां पे कट कर दिया है, मतलब यहां पे वापस ले लिया है। तो जो यहां पे ये सेकंड सबसे बड़ी न्यूज जोमेटो की तरफ से रहने वाली है। थर्ड यदि आप यहां पे देखें तो जोमेटो स्ट्रॉन्ग क्वार्टर विद प्रॉमिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, यहां पे जोमेटो ने प्रॉमिस किया इन्वेस्टरों से कि वो अपनी नेक्स्ट क्वार्टर में यहां पे प्रॉमिस किया प्रॉफिटेबिलिटी का, यहां पे प्रॉमिस करने को जोमेटो दिख रहा है, क्योंकि इस जो क्वार्टर 1 2023 है इसमें काफी बड़ा लॉसेस, ह्यूज लॉसेस जोमेटो को देखने को मिले हैं। साथ साथ यदि हम फोर्थ न्यूज की यहां पर बात करें तो जोमेटो शेयर्स यहां पर जूम देखें 20% आफ्टर क्वार्टर वन लॉस नैरोस, यहां पर काफी ज्यादा लॉसेस में कमी तो देखने को मिली है। साथ साथ यदि आप यहां पर देखें तो जोमेटो इतने जल्दी यहां पर अपने सीईओ अपॉइंट कर रहा है, अभी इन्होंने चौथा सीईओ यहां पर सीईओ चेंज कर दिया है। यदि आप यहां पर देखें कंपनीज अपॉइंट फोर्थ सीईओ, चौथा सीईओ इन्होंने अभी चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दबाजी जोमेटो में की जा रही है, चाहे वो इनके अंदर की न्यूज़ेज हो या फिर बाहर की न्यूज़ेज हो। साथ साथ यदि यहाँ पे बात करें क्वार्टर वन जून क्वार्टर के रिजल्ट्स की, तो यहाँ पे नेट सेल्स इनकी जो आई थी वो 1413 करोड़ एंड 90 लाख की आई थी एंड यदि बात करें तो 66.44 पे यहाँ पे अप थी। तो सेल्स तो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिली, लेकिन अभी भी जोमेटो को यहाँ पे लॉसेस में जोमेटो चल रही है, लॉसेस से नहीं उबर पाई है। यहाँ पे यदि आप देखें तो जोमेटो ने प्रॉफिटेबिलिटी का यहाँ पे वादा भी किया है एंड यदि बात करें तो यहाँ पर क्वार्टर वन के रिजल्ट्स में थोड़ी सी इनके लॉसेस कम देखने को मिले हैं, 20% यदि बात करें तो 20% के यहाँ पे कमी देखने को। जो सबसे बड़ी यहाँ पे न्यूज़ थी वो यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ यही थी कि ऊबर ने यहाँ पे जोमेटो से एग्जिट किया है, सेल की है काफ़ी बड़ा स्टेक 7.78% का स्टेक। यदि हम बात करें कंपनी ने यहाँ पे 61.22 करोड़ शेयर्स यहाँ पे प्राइस ऑफ, यदि प्राइस की बात करें 50.44 रुपये पे सेल कर दिए। यहाँ पे ब्लॉक डील सामने निकल गया है क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे डायरेक्ट ऑनलाइन मार्केट में यहाँ पे मार्केट में ऑफलोड कर दिए थे शेयर, जिस तरह से यहाँ पे VSE ने यहाँ पे रिपोर्ट दी है कि ब्लॉक डील यहाँ पे साबित हुई है, ब्लॉक डील यहाँ पे बन के नजर आई है। क्योंकि यहाँ पे यदि आप देखें कि अब एग्रीगेटर जो यहाँ पे ऊबर है, ऊबर ने यहाँ पे 3 अगस्त को ऑफलोडेड किए थे काफ़ी बड़ी क्वांटिटी 7.78% का जोमेटो का स्टेक यहाँ पे मार्केट में उतार दिया था, जिस कारण से यहाँ पे बोल सकते हैं ब्लॉक डील यहाँ पे सामने देखने को मिली। साथ साथ यदि बात करें कंपनी की तरफ से जो टोटल यहाँ पे क्वांटिटी सेल ऑफ की गई थी वो 61,21,99,100 शेयर्स की क्वांटिटी थी, 50.44 रुपये पे दे दी गई थी, ब्लॉक डील यहाँ पे बन के साबित नजर आई। BSE ने ये डाटा यहाँ पे सामने लाए हैं। ज़ीरोधा इज नॉट ऑटो स्क्वायर ऑफ, कई लोगों के द्वारा यहाँ पे ऑटो स्क्वायर ऑफ की न्यूज़ भी आ रही है कि यहाँ पे उनका ऑटो स्क्वायर ऑफ नहीं हो पाया, जबकि उन्होंने यहाँ पे इंट्राडे में ऑर्डर सेल किए थे एंड यहाँ पे अपने आप ऑटो स्क्वायर ऑफ देखने को नहीं मिला है। ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ है, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, इसकी भी हम तफसील से बात करेंगे एंड सारी कुछ यहाँ पे बात करने वाले हैं। साथ साथ यदि हम बात करें अभी की, तो इन्होंने ऊबर ने 30 जून को इतना बड़ा स्टेक यहाँ पे बाई किया था। यहाँ पे आप देखें द सेम अमाउंट ऑफ शेयर वर हेल्ड बाय ऊबर इन जोमेटो 30th of June 2022, जस्ट अभी 1 से 1.5 महीने पहले इन्होंने स्टेक को बाई किया था। देन अभी देखें तो ऐसा क्या हुआ है कि इन्होंने मात्र 1 मंथ में ही शेयर को यहाँ पर सेल कर दिया है, जबकि यदि आप यहाँ पर देखें द वर्क ऑफ ऑफलोडेड शेयर वर पिक्ड अप बाय फर्डिलिटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, फर्डिलिटी सीरीज इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी फंड है जो इन्होंने काफ़ी बड़ी यहाँ पर ऑफलोडिंग इन्होंने भी की थी विज वॉट, जिन्होंने यहाँ पर 5.44 करोड़ कट किए हैं अभी एंड यदि बात करें यहाँ पे 15.26 अब प्राइस, ये यहाँ पे प्राइस सामने निकल के आया इस पीस पे, इस प्राइस पे इन्होंने यहाँ पे ऑफलोडेड किए हैं। डाटा यहाँ पे जो सोर्स किया गया है वो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा बताया गया है। साथ साथ यदि आप यहाँ पे देखें एक और जो यहाँ पे कंपनी सामने निकल के आई वो ICICI Prudential Life Insurance, जिन्होंने यहाँ पे खरीदे हैं शेयर
4.5 करोड़ शेयर यहाँ पे खरीदे हैं। इतने करोड़ शेयर्स, 4.5 करोड़ शेयर इन्होंने खरीदे हैं 50 रुपये 25 पैसे के प्राइस पे इन्होंने ऐड किए हैं। तो यहाँ पे किसी ने बेचा है, किसी ने खरीदा जरूर है। ICICI एक जानी मानी कंपनी है, यहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज अपनी देती है, जिन्होंने इतनी बड़ी क्वांटिटी को यहाँ पे YV किया है। तो ऐसा नहीं है किसी ने सेल किया है तो उसके पीछे कोई वाई करने वाला भी होता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा था 2 से 3 दिन पहले, अभी 20% का अपर सर्किट भी मारा था, देन अभी देखें तो काफ़ी बड़ी गिरावट में जोमेटो इस समय चल रहा है। क्या इसमें रहने वाला है? साथ साथ ये बात करें अभी यूजर्स की, तो यहाँ पे उबर ने, उबर की यदि बात करें तो उबर सेड इट्स अर्निंग अनाउंसमेंट एंड दैट हैज़ बुक्ड एन अनरिलीज्ड गेन लॉस। इन्होंने लॉस बनाया है, उबर कंपनी को अभी प्रेजेंट में लॉस लगा है। यदि लॉस की बात करें तो 707 मिलियन यहाँ पर डॉलर का इनको लॉस लगा है फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 एन अकाउंट ऑफ जोमेटो होल्डिंग्स। जोमेटो होल्डिंग के चक्कर में इन्हें इतना बड़ा लॉस यहाँ पे देखने को मिला। साथ साथ जोमेटो क्लोज्ड एट, आज के दिन जोमेटो 55 रुपये 45 पैसे पे बंद होने को दिखा है। VSE में यहाँ पे थोड़ी सा डाउन था, ज़्यादा डाउन नहीं था, 0.18% डाउन देखने को मिला है। साथ साथ यदि हम बात करें 1 अगस्त को पोस्टेड किया है 67% स्पाइक इन रेवेन्यू में, काफ़ी बड़ा यहाँ पे स्पाइक देखने को मिला 67% 23 के डाटा में, क्वार्टर वन 2023 के डाटा में। एंड यदि बात करें तो जो करोड़ में रेवेन्यू इस समय सामने निकल गया है वो 1413 करोड़ का रेवेन्यू इस समय जोमेटो का सामने निकल के आया है। एंड कंसोलिडेटेड लॉस स्टड एट 186 करोड़ के कंपनी को यहाँ पर लॉसेस भी है। तो कंपनी लगातार लॉसेस में, इस समय भी कंपनी को काफ़ी बड़े लॉसेस यहाँ पर देखने को मिले, जबकि एक साल पहले कंपनी को 359 करोड़ के लॉसेस देखने को मिले थे। तो वहाँ से तो लॉस यहाँ पर तब भी कम है, लेकिन कंपनी को अभी भी लॉस है। प्रेजेंट टाइम में कंपनी को 186 करोड़ का लॉस है, जबकि यहाँ पर लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में कंपनी को 359 करोड़ का लॉस था। कंपनी लॉसेस से उभर रही है, लेकिन अभी भी कंपनी पूरी तरह से लॉसेस से नहीं उभर पाई है। आपका जोमेटो के शेयर के बारे में, क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के बारे में क्या मानना है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस समय जोमेटो का शेयर 55 रुपये के प्राइस पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ चल रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ी गिरावट जोमेटो में देखने को मिल चुकी है। 40 रुपये तक शेयर का प्राइस जा चुका था, अब यदि बात करें तो 55 रुपये तक शेयर का प्राइस यहाँ पर पहुँच चुका है, जबकि शेयर ने 160 रुपये के ऊपर का हाई बनाया था, 170 रुपये के अराउंड का इसने हाई बनाया है। देन वहाँ से करेक्ट होकर अभी 40 रुपये पर एकमात्र बहुत छोटे से प्राइस पर अवेलेबल भी रहा है। अभी 55 रुपये की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ इस प्राइस पर आपको अवेलेबल है। आप क्या इसको अपॉर्चुनिटी मानते हैं 55 रुपये के प्राइस को, या नहीं मानते, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ी न्यूज़ सामने आती रहती है। अभी CEO अपॉइंट हुए हैं, CEO इन्होंने इतने जल्दी अभी 4th CEO यहाँ पे अपॉइंट कर दिए। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जल्दबाजी जोमेटो में की जा रही है कंपनी के अंदर से। फर्स्ट वीक में यदि रिटर्न्स की बात करें, जो 20% यहाँ पे भागा था बस वही रिटर्न्स है। पास्ट यदि आप 1 ईयर के रिटर्न्स देखें तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में, जो लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ यहाँ पे चल रहे हैं, क्योंकि अभी एक साल पहले ही जोमेटो का शेयर लिस्ट हुआ था, वहाँ से काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। 115 रुपये पे यहाँ पे लिस्ट होने को दिखा था, 160 रुपये तक जोमेटो का शेयर गया, फिर वहाँ से 40-50 रुपये तक अभी अराउंड इस प्राइस पे चल रहा है। तो एक अपॉर्चुनिटी भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा स्टार्टअप है जोमेटो। आप सभी ने नाम जरूर सुना होगा जोमेटो कंपनी का, यदि आप इसको मानते हैं एक अच्छा, एक सफल स्टार्टअप है, एक यहाँ पे सक्सेस स्टार्टअप है, तो आप ज़रूर इसमें पैसा लगाएं। जो भी आप अपना पैसा लगाएं, आप अपनी नॉलेज के अनुसार लगाएं। क्वार्टर यहाँ पे बात करें 2022 के रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू इसका जबरदस्त देखने को मिल रहा है। 2018 के बाद जबरदस्त यहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ है, क्योंकि 2018 में इनका जो रेवेन्यू 371 करोड़ का था, इस समय 3611 करोड़ के रेवेन्यू जोमेटो यहाँ पे दे चुका है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो है ही है, साथ साथ कई सारे इन्वेस्टरों के द्वारा यहाँ पे न्यूज़ आती रहती है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ के साथ ऐसी न्यूज़ आपके सामने आती रहेंगी। बकाया आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से करिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, ऐसी न्यूज़ लेने के लिए चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके द्वारा एंड हमारे द्वारा जो भी यहाँ पे बातें मार्केट में की जाती है, जो भी यहाँ पे न्यूज़ आती है, हमारी चैनल पे सबसे पहले यहाँ पे अपडेट आपको दे दिया जाता है। बकाया भी मिलती है नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।